वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी एजुटेरियन। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो का, तो उसी का आप क्वेश्चन भी तो कर ले माए थे भाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। यहाँ लाइन खींच दो पहले। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैडो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 सात क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फॉर्मूला याद करके आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कम समझ में आएगा और क्या। तो पहला ही क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाए तो साइन साइन कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो साइन एक्स, साइन इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे अब देखते हैं। जैसे दिया है टेन इनवर्स एक्स, तो इसको थीटा ले लो, रफ में करेंगे इसको टेन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको साइन के फॉर्म में निकालेंगे, साइन थीटा, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस वन है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हिंदी में एक बार बोल देते हैं, टेन बराबर लंब बटे आधार, और इसमें साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो पता है, लेकिन कर्ण निकालना, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा ही तो निकालना है। इसको आप लोग उधर भी कर सकते हैं, फेयर में भी, लेकिन रफ में करिए जल्दी होगा, ऑप्शनल था क्वेश्चन। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, साइन साइन कट जाता है, अगर याद करने के लिए ऐसे करेंगे, बाकी डेरिवेशन पता ही है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया पहले का आंसर। क्या किए हम लोग, फॉर्मूला पता है, साइन साइन इनवर्स होता है, टेन को साइन इनवर्स में चेंज कर लिए बस, क्योंकि इसको तो टेन में चेंज कर नहीं सकते, कुछ है ये नहीं है तो चेंज क्या करोगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऑप्शन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर दुई, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहले लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, पूछा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो हम लोग को रिलेशन पता है कुछ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में, बिल्कुल पता है, हम लोग जानते हैं, रफ में जानो यार, तुम लोग याद बात किए होगे तो आएगा, नहीं तो ये वाला जानते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस रहता है कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब पाई बाई टू माइनस पक्षांतर, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ये इसकी वैल्यू है साइन वाली, और ये साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स पाई बाई टू, ये दिया है आंसर हम निकाल लें। तो प्लस है, प्लस है, हो गया। तो देखो पाई बाई टू, पाई बाई टू कैलकुलेशन इजीली करते, देखो पाई बाई टू इधर प्लस में है, इधर प्लस में, दोनों कट गया, ठीक है। अब पाई बाई टू और ये माइनस, दोनों में, इसमें माइनस है, इसमें माइनस कॉमन, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स, ये जीरो हो गया है, कट चुका है। इधर माइनस में है ये पूरा, पूरा उधर जाएगा प्लस में, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, दोनों की वैल्यू पाई बाई टू है, एक तो दिया था एक तो पूछा था। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, तो हम लोग जानते हैं
साइन टैन कॉसेक। मैं अगर माइनस में है तो माइनस बाहर चलाता है, माइनस तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा माइनस। तो हमने जैसे ही बताया था यहाँ थीटा दिया रहता है लेकिन यहाँ नंबर दिया, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये साइन इनवर्स 60 अंश की वैल्यू होती है, और 60 को हम लोग पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, तो ये साइन इनवर्स हो गया और ये साइन हो गया, साइन ये पाई बाई थ्री, ये केवल ये रख दिए इसकी वैल्यू, तो साइन से साइन कट जाएगा पाई बाई थ्री माइनस में, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन वाले में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस होता तो माइनस बाहर चला आता है, बाहर चला आया टेल से टेलते, अब ये किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई थ्री लिख दे सीधे सीधे इसकी जगह पे, साइन साइन कट गया माइनस पाई बाई थ्री आंसर। फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दे इसको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसी का पलट दिया है। वहां हमारा था साइन, यहां है हमारा कॉस, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू माइनस, ये माइनस देने का मतलब उसका केवल ये है कि चेक करना चाहता है आप लोग को याद है कि तो अगर हम बता चुके हैं कॉस कॉट और सेक में अगर रहेगा तो ये क्या हो जाता है माइनस, डायरेक्ट बाहर नहीं आता, पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 की तो कॉस में 30 की होगी, मतलब पाई बाई सिक्स, पाई माइनस कॉस कॉस कट जाएगा पाई बाई सिक्स, एलसीएम ले छः में सिक्स माइनस वन फाइव पाई बाई सिक्स, ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये याद करना पड़ गया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया था, बताए थे कहाँ से आया था, डेरिवेशन वाला देखिए पार्ट, उसमें बताया गया है, उसको पहले देखो फिर इसको देखो, फॉर्मूला याद करके देखो, सब समझ में आएगा। तो चार क्वेश्चन हो गए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल्स कॉट इनवर्स 4 बाई एक्स, करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ लिखा नहीं x इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग एक तो छोटा सा देखेंगे, अगर x इनवर्स कुछ लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/sin x ना, ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि वो एक तो रेंज में है ना इनवर्स, हर जगह थोड़ा ना, इसीलिए हर जगह नहीं होता, इसीलिए ये नहीं है, और वैसे मैं जानते हैं कॉसेक होता है, फॉर्मूला बताया गया है, तो हम लोग देखेंगे टेन इनवर्स 1/x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/x, और कॉट इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में बदल दें, तो जैसा कि हमने ये वाला क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, टेन था उसको साइन बदले, कैसे बदले थे, लम बटे कर्ण करके, तो सीधा सीधा हम लोग को पता है टैन और कॉट अपोजिट होते हैं, अगर थीटा लेट करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, पलट जाता है, करके देखिए पहले थीटा लेट करिए फिर, ठीक, टैन टैन दोनों में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x इक्वल टू x अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू अंडर रूट 4, और यहाँ प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस 2, एक्स वैल्यू कितने आ गए प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दो दो तीन तीन नंबर क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6, अब स्पीड में करेंगे हम लोग क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स
वन अपॉन सेवन इक्वल टू प्रूफ करना है जो भी करना हो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले टू दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे क्या होता है। तीन फॉर्मूला बताए थे, टेन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ हम लोग टेन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ टेन है। तो टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स की जगह क्या है वन अपॉन थ्री, वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, ठीक है। टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा टू बाई थ्री, और ये कितना हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन नाइन प्लस ये जो भी है वो है। कितना आ गया टेन इनवर्स नाइन में से बन जाएगा टू अपॉन थ्री अपॉन एट अपॉन नाइन, ठीक है। ये पलट जाएगा, कर देते हैं टेन इनवर्स टू अपॉन थ्री इंटू नाइन बाई एट, थ्री थ्री जा नाइन, टू फोर जा एट, तो क्या आ गया हमारा टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, और ये प्लस था ही प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे क्या होता है, टेन इनवर्स प्लस है तो थ्री बाई फोर एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, टेन इनवर्स सेवन फोर का सेम ट्वेंटी एट, ऊपर क्या आ जाएगा इक्कीस और चार पच्चीस, और ये कितना आ जाएगा अट्ठाईस, अट्ठाईस और ये एलसीएम ले लेंगे अट्ठाईस, तो अट्ठाईस माइनस तीन पच्चीस और बटे अट्ठाईस, ये देखिए पूरा कट गया। टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू ही तो वन होती है, तो आंसर इसका आ गया पाई बाई फोर। पहले क्या किए, टू दिख रहा है तो टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला खोल दिए, फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिए, बस आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, पांच नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, दम थोड़ा सा है बस। टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है। तो इसमें खास क्या है, इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन दिखे वन प्लस एक्स हो वन माइनस एक्स हो, तो वहां हम लोग एक्स को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा। क्यों लेट करते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सा, एक तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक तो और कौन सा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां भी वन रहता वहां क्यों लेट करते हैं, क्योंकि वन वन जो है कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर में आ जाता, तो इजली आंसर आ जाता है। बाकी तुम लोग वो कर सकते हो, क्या करते हैं रेशनलाइज कर लो, पर मैं ही कर रहा हूं, लंबा जाएगा। टेन इनवर्स जहां जहां वन प्लस एक्स है वहां कॉस टू थीटा, अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस वन वन जहाँ जहाँ है उसको भगा देना है। तो भाई कैसे, यहाँ कॉस थीटा टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला रखो कि वन ये कट जाए, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। अंडर रूट वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन कटा अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, नहीं यहाँ
माइनस है यहाँ प्लस है, अंडर रूट वन माइनस ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो माइनस किस पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है वन वन काट डालो, वन 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 वन। अब ये आ गया हम लोग का टेन इनवर्स। देखो अंडर रूट टू यहाँ कॉमन है, अंडर रूट टू कॉमन ले लो, बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो कॉस थीटा माइनस ये भी टू यहाँ रूट टू से दोनों जगह से कॉमन लेंगे ना रूट टू तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ का भी रूट टू कॉमन ले लिए, रूट टू से रूट टू कट गया। ठीक है अब हम लोग देखेंगे यहाँ से तो टैन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है अब हम लोग को टैन इनवर्स है, यहाँ टैन आ जाए तो टैन टैन कट जाएगा और आंसर आ जाएगा तो यहाँ टैन लाना कैसे आएगा टैन, टैन के जितने फॉर्मूले देख लो टैन ए प्लस टैन टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी हर फॉर्मूले में यहाँ वन होता है तो वन लाने के लिए हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे तो टैन इनवर्स डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ठीक है दोनों तरफ तो कॉस थीटा से इसमें डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा वन माइनस टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा ये वन प्लस टैन थीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टेंथ में लगाया करते थे, देखो टैन इनवर्स ये टैन किसकी वैल्यू टैन पाई बाई फोर की वैल्यू है 45 माइनस टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन थीटा और ये वन यहाँ अपने आप ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में वन करें या ना करें टैन पाई बाई फोर टैन इनवर्स टैन ये किसका फॉर्मूला है यहाँ ऊपर माइनस है तो टैन ए माइनस बी का तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो और टैन किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का फॉर्मूला है टैन से टैन कटता नहीं हट जाता है पाई बाई फोर माइनस थीटा बचा और थीटा की वैल्यू तो थीटा हम लोग क्या लिए हैं इसको मिटा देते हैं थीटा की वैल्यू यहाँ से लानी है तो कॉस इधर उल्टा हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है और थीटा क्या आ जाएगा वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, अरे इधर गुणा में था इधर भाग में चला गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स और पांच नंबर आपको खट से मिल जाएगा फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते लास्ट वाला टफ नहीं है पांच नंबर की लाता है ऐसे दिया रहेगा तो मेन फोकस करो वन वन पहले गायब हो जाएगा वन वन यहाँ गायब हो गया अब यहाँ टैन बन जाना हम लोग का तो टैन का फॉर्मूला बनाओ तो टैन का ये फॉर्मूला बना दिए यहाँ हर फॉर्मूले में वन होता है इसलिए कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए ये फिर ये तो इसको नोट करिए आप लोग देखिए एक बार और तो इसके पहले वाला आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन में आया था कुछ तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बताना भूल गए थे तो इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे और उसके साथ कॉन्सेप्ट आया नहीं था वन माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स तो उसी तरह अगर देखो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जा रहा तो यहाँ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे ए टैन थीटा से या ए कॉट थीटा से मेनली हम लोग एक ही पे फोकस करेंगे क्यों देखते हैं कैसे ए टैन थीटा अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए स्क्वायर तो था ही और एक्स स्क्वायर ले लिए ए टैन थीटा तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा ठीक है ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में था सब, तो ए सेक थीटा एक क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए इस तरह करेंगे, अभी बता देंगे कैसे याद करना है बहुत स्पीड में। तो यहाँ देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो यहाँ ए टेन थीटा ले लेंगे और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो साइन ले लो या कॉस ले लो, तो एक्स स्क्वायर टू ए साइन थीटा ले लो और एक्स स्क्वायर टू ए कॉस थीटा ले लो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कौन सा बताएं अभी हम, ये वाला बता देंगे, ये वाला लेना है। अब यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर टू ए सेक थीटा, क्यों, क्योंकि ए ए कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा। यहाँ पे जैसे लेना है तो क्या लोगे, एक्स स्क्वायर टू ए कॉस टू थीटा ले लो, टू थीटा लेने में आसानी रहेगी, थीटा भी ले सकते हो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू कॉस टू थीटा ले लो, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी समझ सकते हैं आप लोग, क्यों, क्योंकि वन को गायब करना रहता है, इसीलिए हम लोग कॉस टू थीटा के एक फॉर्मूला जिसमें वन गायब होता है। जैसे यहाँ पे भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वल टू ले लेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन और कॉस थीटा और यहाँ वन बच जाएगा, तो इस तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ एक्स एक्स है तो एक्स को क्या ले लेंगे, कॉस टू थीटा, यहाँ भी एक्स है एक्स स्क्वल टू कॉस टू थीटा, तो मैक्सिमम जगह देख सकते हैं आप लोग कॉस टू थीटा आया है, नहीं तो। और यहाँ देखिए अगर वन लाना है तो यहाँ कॉस थीटा लिखे हैं और यहाँ वन लाना है मतलब कि ए भी कॉमन खींचना है, तो ए यहाँ यहाँ नहीं है तो इसके साथ ए भी ले लेंगे, बस यही देखना, जहाँ वन है वहाँ नहीं लेना है, जहाँ ए वो है, ए मतलब कोई कॉन्स्टेंट, जैसे पाँच माइनस एक्स दिया है तो एक्स के लिए हम लोग लिख देंगे पाँच कॉस टू थीटा को लेट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये तो बात रही उसकी कॉन्सेप्ट की, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देख लिए, अभी हम लोग का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इफ, ये दिया होगा इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट पीटी, तो सिद्ध कीजिए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो जैसा कि हम लोग सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जो पूछा है उसी को लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखिए, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए लेट कर लिए, तो एक्स क्या हो जाएगा साइन ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स बी लेट कर लिए, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई साइन बी, साइन इनवर्स जेड इक्वल्स सी, जेड इक्वल टू साइन सी, ये हम लोग लेट कर लिए हैं, अभी कुछ नहीं क्वेश्चन में कॉल जो दिया है उसको लेट कर लिए। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई, अभी इसका यूज आएगा आगे, उसको लेट कर लिए। अब इस एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस, एल एच एस लेके आर एच एस ला देंगे हम लोग, तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। एक्स की जगह क्या है साइन ए, साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी,
पूछने के एल एच एस में बस वैल्यू पुट कर दी, एक्स इक्वल टू साइन है, वाई इक्वल टू साइन भी। अब साइन है और ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस है। फिर इसी तरह साइन भी, कॉस भी, साइन सी प्लस प्लस का इंटू कॉस सी, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, तो फॉर्मूला है वन साइन टू थीटा का, तो कैसे बनेगा, टू से मल्टीप्लाई कर दे सब में, तो यहाँ वन बाई टू से डिवाइड कर दीजिए और टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी टू से, इसमें भी टू से, टू से डिवाइड करो और टू से इंटू, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टू वन अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा हम लोग का साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टेंथ में बहुत सॉल्व किए हैं, वन अपॉन टू साइन टू ए प्लस साइन टू बी, मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, मतलब टू ए प्लस टू बी सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू और प्लस साइन टू सी तो है ही, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। अब तो हम लोग का यहाँ तक आ गया था, तो अब हम लोग इसके आगे यहाँ से कर रहे हैं, क्या है वन अपॉइंट टू तो बाहर था ही, वन अपॉइंट टू, ठीक है, टू टू ए प्लस टू बी में से टू कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी बच जाएगा, टू बाहर टू टू से कट जाएगा, तो टू साइन ए प्लस बी और क्या बचा कॉस ए माइनस बी, टू कॉमन ले लिया यहाँ से भी और टू टू कट गया, और ये क्या बच गया हम लोग का साइन टू सी, ठीक है। अब यहाँ टू ए टू को गायब कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टू साइन सी कॉस सी, वहीं हम लोग को नहीं लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से टू कॉमन लेके काट दो, तो क्या हो गया साइन टू कट गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस टू कट गया है साइन सी कॉस सी। अब ये देखिए वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे ना, ए प्लस बी सी इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस सी, अरे पक्षांतर हो गया देखो, और कॉस ए माइनस बी ऐसे ही है, प्लस साइन सी और कॉस सी को क्या लिख सकते हम लोग, सी की वैल्यू वहां से देखो पाई माइनस ए प्लस बी। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन सी और साइन सी यहां और यहां, साइन सी कॉमन हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, अब यहां कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग लेंगे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर से फॉर्मूला बनना, फिर से फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन सी तो था ही पहले से, साइन सी और इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन
टू होता है, टू साइन सी प्लस डी, तो इसको जोड़ेंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस ए, टू ए, टू ए बाई टू, तो ये टू ए हो जाएगा साइन ए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो साइन ए आ गया, फिर होता है साइन डी माइनस सी, ए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा, टू बी बचा, टू बी बाई टू, तो बी हो जाएगा ठीक। अब टू को बाहर लाओ, टू साइन, इसको साइन ए साइन बी साइन सी ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दिए। अब साइन ए की वैल्यू क्या हम लोग लेट किए हैं, साइन ए इक्वल टू एक्स, टू एक्स साइन बी वाई और साइन सी जेड इक्वल्स आर एच एस, यही तो लाना था। तो 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, दिया था क्वेश्चन, ये दिया है और ये प्रूफ करना था, तो जो दिया है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, यहाँ से वैल्यू निकाल ली, और जो दिया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, फिर हम लोग एल एच एस ले लिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, जो था ऐसे यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, फिर यहाँ साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है और इसी तरह सॉल्व करते करते हम लोग प्रूफ कर लिए। तो यहाँ देखिए आप लोग साइन सी प्लस डी, फिर से टेंथ वाला फॉर्मूला आया, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़िए फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, अब अगले लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।